ग्वालियर रेंज के आईजी के दफ्तर में पदस्थ एक महिला एएसआई कार्यपाल लिपिका और आरक्षक 6 दिन से लापता हैं। 7 मई के दिन चुनाव ड्यूटी करने के लिए निकले थे, लेकिन ड्यूटी करने के लिए ना तो वो दफ्तर आए और ना ही घर पहुंचे हैं। जब महिला एएसआई की मां ने आईजी को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों को बिना बताए ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर उन्हें सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है। इधर महिला एएसआई की मां ने कंपू में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 1 दिन पहले महिला पुलिस कर्मी ने अपने घर पर फोन कर बताया था कि उन दोनों ने दिल्ली में शादी कर ली है। दरअसल कंपू स्थित पुलिस आवास में रहने वाली एएसआई निशा जैन आईजी ग्वालियर के कार्यालय में कार्यपाल लिपिका के पद पर पदस्थ थी। उनके साथ ही आरक्षक अखंड प्रताप सिंह भी पदस्थ थे। 5 साल से लगातार दोनों एक साथ काम कर रहे थे। 7 मई को लोकसभा मतदान के दिन चुनावी ड्यूटी में दोनों को भेजा गया था। दोनों ने चुनावी ड्यूटी की और उसके बाद अपने अपने घर चले गए। अगले दिन घर से दफ्तर के लिए निकले, लेकिन दफ्तर नहीं पहुंचे और न ही घर वापस लौटे। उसी दिन उनके मोबाइल भी बंद हो गए थे। इसी बीच 8 और 9 को नहीं आने पर मेरे द्वारा जो उन्होंने बिना किसी सूचना के एक मेरा कार्यालय निश्चित रूप से प्रमुख कार्यालय वहाँ से अनुपस्थित रहे, तो मेरे द्वारा उन दोनों को निलंबित किया गया। और इसी दौरान जो उनकी मदर हैं एसआईएम की जो महिला है हमारी, तो उन्होंने आके इंटीमेट किया कि संभवतः जो एएसआईएम उनकी जो पुत्री हैं और ये आरक्षक हैं, ये लोगों ने चूँकि उनको इस बात का आइडिया था कि निशा उनके घर में इंसिस्ट कर रही थी मैरिज के लिए। निश्चित रूप से दोनों वयस्क हैं, दोनों अनमैरिड हैं और अपना अधिकार रखते हैं, तो नेचुरली वो बिना ऑफिस में आए तो चले गए हैं। और बाद में कल उन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने आर्य समाज से दिल्ली में जाके मैरिज कर ली है। तो नेचुरली जो परिवार है हमारी, जो एएसआईएम महिला जो पुलिस कर्मी है, उन्होंने जो कंपू थाना है चूँकि वहाँ पर उनका रेसिडेंस है, अपनी माँ के साथ रहती थी, वहाँ पर उन्होंने गुमशुदगी लॉज कराई है। अब नेचुरली वो आए और गुमशुदगी जांच के दौरान सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं अपने मैरिज संबंधी, दोनों एडल्ट हैं, उसके आधार पर थाने स्तर पर निराकरण हो जाएगा। मेरे यहाँ तो चूँकि वो बिना मुझे सूचना दिए और बिना मेरे कार्यालय को सूचना दिए 8 और 9 मई को गैरहाजिर हुए, इसका अर्थ दोनों को मैंने निलंबित किया है और दोनों को लाइन अटैच भी कर दिया उसके साथ साथ। खैर, महिला एएसआई और आरक्षक दोनों चुनावी ड्यूटी करने के बाद घर लौटे और फिर अपने काम पर वापस नहीं लौटे, लेकिन बिना बताए गायब हुए। ये काम लापरवाही का है, इसलिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है।